ये मेरी जो ड्रेसिंग है ये बहुत कम सामान पड़ा है, बहुत कम पड़ा है। तो ये मेरा कमरा है, यहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, ये वाली मेरी अम्मी ने मुझे जहेज में दी थी, मतलब ये सारा मेरा शादी को इतना टाइम नहीं हुआ तो मतलब कि अभी नया पड़ा हुआ है फर्नीचर। ये इसके साथ का डिवाइडर है बर्तन रखने वाला, इसके अंदर बर्तन रखे हुए हैं, कुर्सियाँ हैं। ये इसके साथ का टेबल बहुत खूबसूरत है, कांच का सारा शीशे का टेबल है, उसके ऊपर फूल वगैरह बने हुए हैं। ये मेरा अबाया है, अम्मी ने मुझे ये दिलवाया था तब मैं मोटी थी, तो ये मुझे तब पूरा था। तो अभी मैं मतलब मेरी बेटी के बाद मैं काफ़ी पतली हो गई हूँ, तो ये अभी मुझे बहुत तंग है, सॉरी अभी बहुत लूज है, तो ये अभी मुझे तंग करना है। आज बेटी भी खेलती है और मेरा बेटा भी खेलता है, लेकिन ये मेरे बचपन की है। और भी मेरे खिले, अभी इसको पता नहीं क्या हो गया, कैमरे को बार बार धुंधला हो रहा है। ये डॉल है, इसके साथ मेरी डॉने है जो यहाँ पर मतलब अभी मेरे बच्चे खेलते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को कभी वीडियो बनाकर उसकी ज़रूर दिखाऊंगी। ये अलमारियाँ हैं मेरी, ये बच्चों की अलमारी है, ये वाली अलमारी है, ये मेरे नॉर्मल से कपड़े होते हैं जो मैं वैसे पहनती होती हूँ व्लॉग में अक्सर, जो आप लोगों ने देखा होगा। ये मेरी ख़ास अलमारी है क्योंकि इसमें मेरे जहेज के जो मैंने कपड़े थे और मतलब आने जाने के कहीं दावत वगैरह के हैं वो वाले कपड़े हैं, लेकिन पहले पहना भी था ईद पर। एक ये है, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ईद पे, ये वाला सूट। और ये वाला जो मैंने सिलाई खुद किया था, दिखा देती हूँ, इतनी जगह नहीं है। ये वाला, ये मैंने कभी इसमें व्लॉग नहीं बनाया, इंशाल्लाह बनाऊंगी। ये वाला मैंने दर्जी से सिलवाया था, ये थी साड़ी का कपड़ा था, लेकिन इसने दर्जी ने ना ये उससे मैंने कमीज सिलवा दी थी, ये उसने उल्टी साइड जो है वो सीधी करके सीधी, जैसे सीधी थी वो उल्टी करके सीधी, तो इसलिए मेरा कभी दिल ज़्यादा नहीं हुआ इसको पहनने का। और ये मेरे बेटे का सूट है, एक पड़ा हुआ है, ये भी मेरे अपने कपड़े सारे इधर पड़े हुए हैं। ये एक नाइटी वगैरह, ये मेरे हस्बैंड का है को, जो आप लोगों ने पहले भी मेरे देवर जेठ की शादी में देखा था। ये वाला भी सूट है मेरा, मेरी बेटी के पैदा होने से पहले का। ये वाला जब मैं पीता था, ये मेरे हस्बैंड का अपर कोट, पता नहीं क्या कहते हैं, वास्किट कहते हैं इसको, ये वो है। ये भी मेरी शादी से पहले की एक शर्ट है, तो ये मैंने खुद स्टिच किया था, ये मेरी मम्मा ने स्टिच करके दिया है। ये वाली जो ये वाली वास्किट है, ये मेरे हस्बैंड के इस सूट के साथ की है। ये हम लोगों ने वलीमे पे, मेरे शोहर ने, मेरे हर शोहर जो है उन्होंने वलीमे पे ये वाला सूट पहना था, और मैंने भी इसी सेम इसी कलर का पहना था, उसके साथ की पिंक कलर की कमीज थी और दुपट्टा और जो शरारा था, गरारा था वो। अलमारी में जगह कम थी और कपड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से सही से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, इसलिए कुछ कपड़े मैं ऐसे निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आप लोग देख लें कि किस तरह के कपड़े पड़े हुए हैं आने जाने के, मतलब कहीं दावत वगैरह फंक्शन वगैरह में होता है। तो ये जो सूट है ये मेरे हस्बैंड का है, और इसी कलर का मैंने हमारा दोनों का वलीमे का एक साथ एक कलर का था, तो इनका जो है इसके ऊपर वास्किट थी और पजामा था वाइट कलर का, और मेरा जो है वो गरारा था इसी कलर का, और पिंक कलर की उसकी कमीज़ थी और पिंक कलर का ही दुपट्टा था। ये जो सूट है ये मैंने खुद स्टिच किया था, और इसके ऊपर ये देखिए टसर शायद बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो ये लगे हुए हैं, ये मैंने खुद लगाए थे, मुझे बहुत पसंद था सूट, लेकिन मैंने शादी के बाद एक दफ़ा भी नहीं पहना, और शादी से पहले भी नहीं पहना था, ये शादी से पहले सिया था, बस वैसे ही नहीं पहना, पहनना ही नहीं हुआ। थोड़ा सा इसका जो कपड़ा है वो थोड़ा पतला था, और जिस इसके साथ की जो शलवार थी वो पटियाला शलवार मैंने सी है, और उसके भी साइडों पे मैंने टसल लगाए हैं, बहुत प्यारा खूबसूरत सा मैंने इसको भी बहुत अच्छे से सिया था, शौक था, लेकिन बस अभी बच्चों में बंदा मसरूफ हो जाता है तो फिर बंदा नहीं पहनता है। अभी ये भी मेरी शादी से पहले की फ्रॉक है, छोटी सी लगती है, लेकिन ये है मतलब बड़ों वाली है, लेकिन लगती बिल्कुल छोटी सी है, अभी तो शायद मुझे नहीं आएगी, मैं मोटी होंगी तो ये मेरी बेटी को दे दूंगी जब वो बड़ी होगी, नहीं वैसे तो नहीं, अल्लाह पाक मेरी बेटी को बहुत दे, बहुत नसीब करे मेरी बेटी के अच्छे, लेकिन ये है कि वैसे कोई चीज़ें अच्छी लगती होती तो मैं रख देती होती हूँ।
तो बाकी तकरीबन आप लोगों ने सब कपड़े वगैरह, इसको घड़ी भी कहते हैं, वॉच भी कहते हैं, चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और ये मेरा बैग है, अभी भी तैयार मेरा बैग पैक पड़ा हुआ है। कभी भी निकल के मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती होती, पता ही नहीं चलता था। जितना मेरा मेकअप का सामान है ना, उससे कहीं ज़्यादा तो ये मेडिसिन है, बच्चों की दवाइयाँ, लेकिन ये ज़रूरी होती है। बच्चे एक अल्लाह ना करे कि कभी भी बीमार पड़ जाते हैं, तो इस वजह से। तो ये मैंने अपने हस्बैंड की तस्वीर जो है ना, मैंने उनको गिफ्ट की थी मंगनी के बाद। बहुत प्यारे प्यारी तस्वीर बनवाई थी मैंने उनके लिए। तो अच्छा, ये मेरी जो ड्रेसिंग है, ये बहुत कम सामान पड़ा है, बहुत कम पड़ा है। इतना मेरे पास जहेज के टाइम मेरा सामान था, कभी मेरी तस्वीरें वगैरह पुरानी दिखाऊंगी, इतना था कि इसके ऊपर ये जगह कम पड़ जाती थी। इतना ज़्यादा मेरे मेकअप का, फेशियल का, इन चीज़ों का सामान हुआ करता था, पर मैं यूज़ कुछ भी नहीं करती थी। हालांकि अम्मी ने सब चीज़ें लेकर दी थी, मेरा जहेज बहुत ज़्यादा था। ये डॉल वगैरह पड़ी हुई, तो यही मेरा छोटा सा रूम है, तो मैंने सोचा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो मैं भी आप लोगों की बहुत सारी दुआओं के साथ और अल्लाह के फजल व करम के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत दे, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। अल्लाह पाक मुझ पर, आप पर, हम सब पर, हमारे मुल्क पर अपना ख़ास करम फरमाए और हर आफात से, मुश्किलात से हमें बचाए। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं इन्हीं नेक दुआओं के साथ। और आज का जो ब्लॉग है, मैं अपने जो मेरा रूम है उसका मतलब रूम टूर है मेरा आज का जो ब्लॉग, मतलब अपना रूम दिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। रूम बहुत छोटा सा और बहुत सादा सा और बहुत ही नफीस सा है, सलीके से सजा हुआ है। ज़्यादातर तो इसमें मेरे जो हस्बैंड है उनका हाथ होता है सफाई वगैरह में, मतलब सजावट, सफाई बोलनी, सजावट मतलब वो जो चीज़ें सलीके से रखने का बहुत शौक है उनको। तो ये है मेरा छोटा सा रूम है। तो ये फर्नीचर वगैरह जो अम्मी की तरफ से मैं लेकर आई थी, तो ये बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बड़ा पसंद था, तो मम्मा को भी ये बहुत पसंद आया, तो फिर इस वजह से ये वाला मतलब मेरी पसंद भी है, मेरी अम्मी की पसंद भी है, तो ये वाला हमने ख़रीद लिया। तो ये है मेरी जो ड्रेसिंग टेबल कहते हैं इसको, तो ये वो है। और इसके ऊपर सामान तकरीबन बहुत सारा था जब मेरी शादी हुई है, तो बहुत ज़्यादा मुझे जहेज मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मुतमिन हूँ, खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली जो लाइफ है उसको भी हंसी खुशी गुजारा। और जो आगे की ज़िंदगी है इंशाल्लाह इसको भी सही हंसी खुशी लेकर चलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। ये जो अलमारी, जो पीछे मेरी अलमारी है जिसमें मैं हाथ लगा रही थी, ये वाली जो थी ये मेरी नंद की थी, तो इसके अंदर अभी तो नहीं है, खैर वो उसको तो शादी को तकरीबन 9-10 साल से भी तो बस इसलिए मैंने सोचा कि एक व्लॉग थोड़ा सा बना के आप लोगों को दिखा दूँ। तो आप लोग मुझे लाजमी बताएगा कि कमेंट्स करके कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या कैसी लगती है, और कमेंट्स किया करेंगे ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये सही बन रही है नहीं है, जो भी है, जिस तरह की भी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी बने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, यहाँ तक आप अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें।